क्या आपके मोबाइल में आपका जो कीबोर्ड है उसमें आपका वॉइस टाइपिंग नहीं हो रहा है? जब आप वॉइस टाइपिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको बताया जाता है नो परमिशन टू इनेबल वॉइस टाइपिंग, यानी कि आपको वॉइस टाइपिंग करने की परमिशन नहीं है आपके कीबोर्ड के अंदर। तो आखिरकार इस प्रॉब्लम को हमें कैसे फिक्स करना है, कैसे हमारा वॉइस टाइपिंग होगा? जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कोई भी वॉइस टाइपिंग नहीं हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप आसानी से फिक्स कर सकते हैं। कोई भी आपको परेशानी भी यहाँ पर नहीं मिलेगी, बस आप वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको जाना होगा अपने प्ले स्टोर पर और वहाँ पर आप टाइप करेंगे जी बोर्ड। जैसे आप टाइप करेंगे जी बोर्ड तो उसे आपको अपडेट कर लेना होगा लेटेस्ट वर्जन में। जैसे हम यहाँ पर टाइप करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे जी बोर्ड तो हमारे सामने आ जाएगा जी बोर्ड ये एप्लीकेशन, और इसे आप अपडेट कर लेंगे क्योंकि यही फ़ोन में होता है आपका कीबोर्ड और ये आपका अपडेट हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपका सही हो जाए, लेकिन अगर आपका फिर भी सही नहीं होता है तो आप फिर क्या करेंगे, फिर आपको यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड के ऐप इन्फो पेज पर जाना होगा, यानी कि आपको जाना है मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको देखना होगा आपका कीबोर्ड कहाँ है। अगर आपको इसे ना मिले तो आपको जाना होगा ऐप्स के अंदर। ऐप्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मिलेगा मैनेज ऐप्स, आपको मैनेज ऐप्स पर जाना होगा। मैनेज ऐप्स पर जाने के बाद यहाँ पर आपको देखना मिलेगा परमिशन का एक सेटिंग, आपको परमिशन पर क्लिक करना है। परमिशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा परमिशन, और आपको परमिशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने सारी की सारी परमिशन निकल कर आ जाएंगी। यहाँ पर आपको एक परमिशन मिलेगा माइक्रोफोन का, और आपको इस पर क्लिक करना है क्योंकि आपका माइक्रोफोन अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि माइक्रोफोन की परमिशन आपको देना होगा। तो ये आपका जो एप्लीकेशन है अलाउ ओनली व्हेन इन यूज, यानी कि इन एप्लीकेशन के अंदर आपका माइक्रोफोन का परमिशन अलाउ है, लेकिन आपके नॉट अलाउ यानी कि इन एप्लीकेशन के अंदर आपके माइक्रोफोन की परमिशन अलाउ नहीं है। तो आप यहां पर देखिए कि आपका जो कीबोर्ड है वो आपका कहां पर है। तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो जी बोर्ड है वो कहां पर है। अगर आपको ऐसे यहां पर दिखाई ना दे आपका जी बोर्ड तो फिर आपको कैसे दिखाई देगा, फिर आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा, सो सिस्टम पर क्लिक करना है। जैसे आप सिस्टम पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपका जो कीबोर्ड होगा वो आपको अभी दिखाई दे जाएगा। तो हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे और अभी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आ चुका है जी बोर्ड जैसा कि आप देख सकते हैं। बस आपको अपने जी बोर्ड पर क्लिक करना है, यहाँ पर यह परमिशन है आपको इसे कर देना है अलाउ। जैसे आप इतना काम कर देंगे, इतना काम करने के बाद आपका 100% सॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ से आपका सॉल्व ना हो और आप इतना काम नहीं कर पाते हैं तो बस इसी पेज पर आ जाइए, यहाँ पर आप टाइप करेंगे जी बोर्ड तो आपके सामने जी बोर्ड आ जाएगा। बस आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर परमिशन पर क्लिक करिए और माइक्रोफोन की परमिशन को आप चालू कर दीजिए। जैसे आप माइक्रोफोन की परमिशन को चालू कर देंगे उसके बाद आप कहीं पर भी अगर अपने कीबोर्ड को ओपन करेंगे और आप बोल कर टाइपिंग करना चाहेंगे तो आपका जो टाइपिंग होगा वो भी आपका हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, बस मैंने माइक के ऊपर क्लिक किया है और जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ चला आ रहा है। तो बस इतना काम करना होगा आपको अपने मोबाइल में और आपका जो काम होगा माइक का वो आपका करना स्टार्ट कर देगा, आपका फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। अगर आपका फिर भी प्रॉब्लम मिलता है तो फिर आप एक काम करेंगे कि आपको अपने प्ले स्टोर में जाना होगा, जी बोर्ड पर क्लिक करना होगा और इस पर आपको एक बार इसे क्लिक करके इसे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद फिर से आप इसे डाउनलोड कर लेना और आपका 100% फिक्स हो जाएगा। मैं आशा करूंगा वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना यार, ताकि उनको भी पता चल जाए कि अगर उनके पास ये प्रॉब्लम आती है कभी तो इसे कैसे फिक्स करना है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।